फाइबर एक बहुत ही महीन धागा जिसे कपड़ों का निर्माण होता है उसे फाइबर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर को लेबोरेटरी में या कारखानों में बनाया जाता है। पॉलीमर, पॉलीमर उस बहुत बड़े मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के कई सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ जाने के वजह से एक बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। और जिस छोटे छोटे रिपीट करने वाले मॉलिक्यूल से मिल करके ये बना हुआ होता है, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहते हैं। और जिस केमिकल प्रोसेस से मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीमर है क्योंकि यह ग्लूकोज के अनेक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ज्वाइंट होने से बना होता है, एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर, जिसमें सबसे पहले हम लोग रेयॉन के विषय में पढ़ेंगे। आखिर रेयॉन क्या होता है? तो डिफिनीशन के अनुसार, रेयॉन इज ए मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद रेयॉन को यह भी बोला जाता है कि यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिल्क होता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन थ्रेड्स इन लेबोरेटरी। इसके लिए वुड पल्प का पीछे फोटो देख रहे हैं, देखिए प्रोसेस। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि कॉपर कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का एक मिक्सचर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है और इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करते हैं। जैसे ही इनको उनमें मिक्स किया जाता है, आप देख रहे होंगे एक ब्लू कलर का एक गाढ़ा लिक्विड तैयार होता है। इस गाढ़े लिक्विड को हम लोग फिर बढ़िया से घोल लेते हैं और इसको फिर हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं, ताकि जो भी रेसिड्यू है वो अलग बर्तन में बचा हुआ रह जाए। तो अब हमारा ये एक बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसमें हम लोग वुड पल्प को यानी रुआ को डालेंगे, ताकि एक गाढ़ा सॉल्यूशन हमें मिल जाए। इसे भिस्कस कहते हैं और हम लोग इस वुड पल्प को डालते चले जाएंगे। इस स्टिकी लिक्विड को भिस्कस कहा जाएगा। और अब इसी भिस्कस को हम लोग क्या करेंगे कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेंगे और भिस्कस को सिरिंज में भर करके उसे हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो हम देखते हैं कि एक ब्लू कलर का धागा तैयार होता है। और यही जो धागा है, इस धागे को हम लोग रेयॉन कहते हैं। इस तरह से रेयॉन बनता है। हमारा अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ रेयॉन्स। तो सबसे पहले रेयॉन का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारी ब्लाउजेज, ड्रेसेज इत्यादि इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जब क्लॉथिंग लाइक सारीज, ब्लाउजेज, ड्रेसेज ये सब बनाए जाते हैं, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा रेयॉन का इस्तेमाल पर्दा बनाने में भी किया जाता है और बेडशीट, ब्लैंकेट्स ये सब भी बनाए जाते हैं। अगला इसका यूजेज है जिसमें रेयॉन का इस्तेमाल जो कारपेट्स होते हैं उनको बनाने में होता है। इसके लिए रेयॉन को ऊन के साथ मिक्स किया जाता है। इसके अलावा बैंडेज बनाने में या और भी सर्जिकल ड्रेसेजिंग में इनका इस्तेमाल होता है। और टायर्स के जो कॉर्ड्स होते हैं वो भी रेयॉन से ही बनाए जाते हैं।